गाड़ी में पत्थर ये पत्थर पत्थर अंदर घुस गया बताओ ये यहां जो भी पत्थर सामने है उसके बाद ही हाँ मिस्टर महेश हाँ हाँ महेश बोल हेलो मेरे को सुबह 10 बजे समथिंग जानकारी मिली कि भरत का भाई सुरेश मारा गया है और एक्सीडेंट होने की वजह से मरा है, ऐसी मेरे को सूचना मिली। बट यहाँ वास्तविकता में आके देखा और जो मृतक के साथ में उपस्थित लड़का था, घायल अवस्था में जो एडमिट है यहाँ हॉस्पिटल में, उससे बातचीत करी तो उसने सारा बयान यही विवरण में बताया कि भाई उसको ठेके वालों ने मारा है। और उसके बाद पुलिस वालों को सूचना करी, पुलिस आई, गाड़ी उठाई, वो सारा गाड़ी वाड़ी जो पलटी वल्टी तो कुछ खाया नहीं था, ठेके वालों ने खिलाई। जो भी प्रकरण बाद में उन्होंने मामला दबाने के लिए किया हो वो मेरे को जानकारी नहीं। मैं पुलिस वालों ठेके वालों की लट मारने की वजह से मैं घायल हो गया था, बेहोश हो गया था। और सुरेश को भी उन्होंने ही मारा है ठेके वालों ने, ये उसने जो लड़का एडमिट है उसने स्पष्ट बयान दिया है। अच्छा, पूरे मामले को लेकर अब आपकी ओर से क्या कुछ पुलिस हमारी जा रही है? हमारी ओर से पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो युवक थे उनके साथ में शराब भी बताई जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना? ये तो मामला दबाने के चक्कर में ठेके वालों ने मरने के बाद मामला दबाने के चक्कर में ये पूरा घुमाने के लिए इसको मामले को ऐसा करा है। दारू वारू कोई नहीं थी गाड़ी में, बाद में इन्होंने ठेके वालों ने रखी है, उसकी कोई हमें कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? जी पवन डामर। नहीं दूसरे अभी वो सामने बता रहा, वो लड़का वो है पुलिस वाला है, गाड़ी खड़ी करी सामने और ठेके वाला ने मार दिया, वो तो बोल रहे उसको। आपका किस पर आरोप है? ठेके वाले पे है। हम जो मर गया, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? गिरफ्तार करो इसको ठेके वाले को। और क्या, अच्छा पुलिस से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या कर, पुलिस वाले को बाद में फोन लगाया, वो इसने ठेके वाला नहीं मारा है वो तो। क्या मार के और ठेके का वो माल ठेके वाला नहीं भरवा दिया होगा माल गाड़ी में और बोल दिया, और गाड़ी पलटी खाती तो थोड़ा बहुत हमको रिश्ता बन जाएगा कहीं भी, और वहाँ मोदी थे वो लोग बोल रहे कि यहाँ कहाँ गाड़ी पलटी खाती। आप क्या लगते हैं? मरा हुआ लड़का मेरा है। क्या नाम था उसका? सुरेश। आपका नाम क्या? मोहन। कह रहे थे अवरुण भाई। आज का जो घटनाक्रम हुआ है एक मर्ग हुआ है, मर्ग के आधार पर जो मर्ग परिजन नहीं कराना चाह रहे थे, जिसे कि जांच के आधार पर ही मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज पथराव भी किया है चौकी पर, पुलिस वाहन भी टूटे, इस दौरान क्या कुछ घटना घटी उसके बारे में? उनको मतलब ये लग रहा है कि जो गाड़ी में दबके जो मृतक मरा है उस संबंध में उनका कहना है कि किसी ने भी उनको मारा है, तो उस संबंध में हमने उन लोगों को बोला है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके आधार पर ही जाँच की जाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी पथराव करने वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है मैम, और आगे क्या कुछ चल रहा है? अभी पूरा आकलन करेंगे, जांच देखेंगे कि किस प्रकार का पथराव हुआ था, उसमें हम लोगों ने लोगों को तितर बितर किया है और उस आधार पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। कसूर नाम बबीता बामनिया, एसडीपी पटलावत।